हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम कैप सर्वर के अंदर ओपीसी यूए का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि हम कैप सर्वर के थ्रू मल्टीपल प्रोटोकॉल्स का डेटा रीड कैसे कर सकते हैं एंड ऑल्सो मल्टीपल प्रोटोकॉल पे डेटा राइट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी भी प्रोटोकॉल से डेटा रीड किया है, जैसे कि अगर आपने मोडबस से डेटा रीड किया है, ठीक है, उसके बाद उस डेटा को आपको अगर ओपीसी यूए पे पब्लिश करना है विद द हेल्प ऑफ कैप सर्वर, तो फिर वो आप कैसे करोगे। ठीक है, वो सारी चीज अब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कैप सर्वर ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, मेन फोल्डर है हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर। ठीक है, उस पर राइट क्लिक करना है। सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपीसी यूए। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपीसी यूए सर्वर इंटरफेस को इन्होंने ऑलरेडी इनेबल रखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ओपीसी यूए सर्वर जो है वो इनेबल है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं अलाउ एनोनिमस लॉगिन। सो यहाँ पे एनोनिमस लॉगिन डिसेबल है। ठीक है, इसे आपको इनेबल कर देना है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको ओके पे प्रेस कर देना है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई कोई भी हमारा ओपीसी यूए क्लाइंट होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली हमारे कैप सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे यूए कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। ठीक है, ओपीसी यूए कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जब भी आप कैप सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो ओपीसी यूए कॉन्फ़िगरेशन वाला जो ये एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी उसके साथ इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हमें इसे ओपन करना है। ठीक है, अब जब भी आप ओपीसी यूए सर्वर क्रिएट करते हैं तो उसका एक एंड पॉइंट यूआरएल होता है, यानी कि एक लिंक होता है जिसके थ्रू आपका क्लाइंट आपके सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो वो लिंक आपको यहाँ पे ओपीसी यूए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो लिंक अवेलेबल है। पहला हमारे लोकल होस्ट का लिंक अवेलेबल है एंड दूसरा सेम लिंक अवेलेबल है, लेकिन ये लिंक हम ओवर दी लोकल एरिया नेटवर्क यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये जो लोकल होस्ट वाला लिंक है वो इनेबल है एंड जो दूसरा लिंक है वो इनेबल नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें इसे इनेबल कर देना है ताकि हम हमारा जो ओपीसी यूए का सर्वर है वो लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि हमारा अगर एक सिस्टम है, ठीक है, जो कि ओपीसी यूए पे डेटा पब्लिश कर रहा है एंड हमें ओवर द नेटवर्क उस डेटा को रीड करना है, तो फिर हम उस डेटा को रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक। ठीक है, अगर आपने इस लिंक पे डबल क्लिक किया तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसीज मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसीज में नन वाला ऑप्शन जो है वो डिसेबल है, तो इसे आपको इनेबल कर देना है एंड देन ओके पे प्रेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको नन वाला सिक्योरिटी पॉलिसी है उसे इनेबल करके ओके पे प्रेस कर देना है। ठीक है, तो अभी हमारा जो ओपीसी यूए सर्वर हमने कॉन्फ़िगर किया है वो एनोनिमस लॉगिन को अलाउ करेगा। ठीक है, उसके बाद उसमें सभी सिक्योरिटी पॉलिसीज को हमने डिफाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट सर्वर रन टाइम रीइनिशियलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज चेंजेस। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कोई चेंजेस किया है तो फिर सर्वर रन टाइम इनिशियलाइजेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो अभी हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। ठीक है, जो भी चेंज हमें करना था वो हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो एंड पॉइंट यूआरएल है उसे हमने कॉपी कर लिया एंड नोटपैड में हमने इसे सेव कर दिया। ठीक है, इसे हम लेटर ऑन यूज करने वाले हैं, दैट्स व्हाई। सो अभी हमने इसे ओके पे प्रेस कर दिया एंड इस यूए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने रन टाइम को रीइनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रन टाइम रीइनिशियलाइजेशन कंप्लीटेड। ठीक है, उसके बाद हमने सभी चीजों को मिनिमाइज कर दिया एंड यूए एक्सपर्ट जो कि हमारा ओपीसी यूए का क्लाइंट है उसे हमने यहाँ पे ओपन किया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चले गए एड सर्वर में। ठीक है, उसके बाद हमने जो एंड पॉइंट यूआरएल को यहाँ पे कॉपी किया था उसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसीज को नन रखा, मैसेज सिक्योरिटी मोड को भी नन रखा एंड ऑथेंटिकेशन सेटिंग पे एनोनिमस हमने टिक किया है। ठीक है, दैट्स व्हाई हमने जब कैप सर्वर कॉन्फ़िगर किया था ओपीसी यूए सर्वर तभी हमने यहाँ पे जो अलाउ एनोनिमस लॉगिन को यस पे रखा था। ठीक है, ताकि हम एनोनिमस लॉगिन कर सके। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का नेम देना है। सो यहाँ पे मेरा कैप यूए कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कैप सर्वर का यूए कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट्स व्हाई मैंने इसे नेम दे दिया एंड देन ओके। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अभी जो यूए एक्सपर्ट है उसके लिए कैप सर्वर ट्रस्टेड सर्वर नहीं है। ठीक है,
सो दैट्स व्हाई हमें इसे ट्रस्टेड सर्वर बनाना होगा। सो यहाँ पे आपको ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट पे क्लिक करना होगा एंड देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुल कनेक्शन कैप सर्वर के ओपीसी यूएस सर्वर के साथ हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जितने भी चैनल क्रिएट किए थे, जैसा कि सिमुलेशन एग्जांपल करके हमने यहाँ पे चैनल क्रिएट किया हुआ है जो कि इनबिल्ट आता है जब आप कैप सर्वर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सो सिमुलेशन एग्जांपल, उसके अंदर हमारा डिवाइस है फंक्शन। सो अगर मैंने सिमुलेशन एग्जांपल को एक्सट्रैक्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन करके फोल्डर है। ठीक है, उसके अंदर हमारे वेरिएबल्स होंगे जो कि यहाँ पे भी हमारे वेरिएबल अवेलेबल है रैम्प 1 से लेकर रैम्प 8 तक। ठीक है, रैम्प 1 से लेकर रैम्प 8 तक, रैंडम 1 से लेकर रैंडम 8 तक। ठीक है, सो रैंडम 1 टू रैंडम 8 एंड साइन 1 से लेकर साइन 3 तक, उसके बाद यूजर 1 से यूजर 4। ठीक है, सो इस तरह से आप यहाँ पे जितने भी चैनल क्रिएट करोगे, जितने भी डिवाइस क्रिएट करोगे, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर जितने भी वेरिएबल क्रिएट करोगे, वो सारी चीज आपको यूए एक्सपर्ट में मिल जाएगी। अगर आपको वो सारी चीज यूए एक्सपर्ट में मिल रही है तो फिर आप अपने स्काडा के साथ कैप सर्वर का जो ओपीसी यूए सर्वर है उसका कम्युनिकेशन करके इन सभी वैल्यूज को आप स्काडा में भी ले सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से कैप सर्वर के अंदर जो ओपीसी यूए सर्वर का फैसिलिटी है उसे आप यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को रीड करना है तो आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए तो आपको यहाँ पे सभी वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैंने कैप सर्वर में ओपीसी डीए क्विक क्लाइंट को स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद हमारे सिमुलेशन एग्जांपल एंड उसमें फंक्शंस, ठीक है, उसके बाद हमारे रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है वही वैल्यू हमें यहाँ पे भी मिल रही है। ठीक है, सो इस तरह से आप कैप सर्वर में ओपीसी ये सर्वर को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस इस वीडियो को रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, सो अभी हम इस क्विक क्लाइंट को क्लोज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कैप सर्वर में चले जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको प्रोजेक्ट में जाना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है, उसके बाद ओपीसी यूए में आपको सर्वर इंटरफेस को इनेबल रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको यस पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद अलाउ एनोनिमस लॉगिन है उसमें भी आपको यहाँ पे यस पे सिलेक्ट रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे प्रेस कर देना है, उसके बाद आपको यूए कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, ओपीसी यूए कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो दोनों लिंक है, ठीक है, उन दोनों लिंक को यहाँ पे इनेबल रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो लिंक है उस पर आपको सिक्योरिटी पॉलिसीज यहाँ पे डिफाइन करनी है। ठीक है, अगर आप नन वाला सिक्योरिटी पॉलिसीज रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने नन वाला सिक्योरिटी पॉलिसीज नहीं रखा है तो फिर आपको किसी भी स्काडा से या फिर यूए एक्सपर्ट से ओपीसी यूए सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको सर्टिफिकेट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, तो उस बात का आपको यहाँ पे केयर करना होगा। ठीक है, अगर आपने नन वाला सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं रखा है तो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो भी सेटिंग्स चेंज करने हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर जी जो हमारा दूसरा लिंक है इसके लिए भी आप सिक्योरिटी पॉलिसीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कोई चेंज किया है तो फिर आपको यहाँ पे जो रन टाइम है उसे रीइनिशियलाइज करना रहेगा। ठीक है, सो अभी हम इसे क्लोज करते हैं, उसके बाद रन टाइम को रीइनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया रन टाइम रीइनिशियलाइजेशन कंप्लीटेड। उसके बाद हम कैप सर्वर के ओपीसी यूए सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम यूए एक्सपर्ट में चलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक्सिस्टिंग कनेक्शन है उसे रिमूव कर देते हैं, एड सर्वर पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा लिंक एंड पॉइंट यूआरएल, उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसीज को नन सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एनोनिमस लॉगिन एंड देन ओके पे प्रेस करते हैं एंड देन हमारे ओपीसी यूए सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चैनल सिमुलेशन एग्जाम्पल एज वेल एज हमारे जितने भी दूसरे चैनल थे जैसे कि चैनल 1 एंड डेटा टाइप एग्जाम्पल वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, चैनल 1 एंड डेटा टाइप एग्जाम्पल वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सो इस तरह से आप कैप सर्वर का जो ओपीसी यूए सर्वर है उसे कॉन्फ़िगर एंड इनेबल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद अगर आपने कैप सर्वर में मोडबस सीरियल से डेटा रीड किया है या फिर मोडबस पीसीपी से डेटा रीड किया है, सीमेंस के पीएलसी से डेटा रीड किया है, एलियन ब्रेडली के पीएलसी से डेटा रीड किया है, कोई भी डेटा अगर आपने रीड किया है तो फिर उस डेटा को आप ओपीसी डीए एज वेल एज ओपीसी यूए पे आप पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उस डेटा को आप स्काडा में या फिर आपको कहीं और लेना है, ठीक है,
तो आप वहां ले सकते हैं एज वेल एज उस डेटा को लॉग भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में सारी चीज क्लियर है, एंड अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि कैप सर्वर के अंदर OPCVA सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन एंड देन उसे इनेबल कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।